बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वीडियो सेशन ऑफ कैंटर पब्लिशर। स्टूडेंट्स, टुडे वी आर लर्न मैथमेटिक्स 8 चैप्टर 2 लेक्चर नंबर 9। फॉर दिस पर्पस यू मस्ट हैव दीज टेक्स्ट बुक फॉर ग्रेड 8, समर पैक एंड रिसोर्स पैक। हम मेन कॉन्टेंट टेक्स्ट बुक में से यूज करेंगे, जबकि समर पैक में से आपने वो काम कंप्लीट करना है जो आपके करंट लेक्चर से रेलेवेंट है, और रिसोर्स पैक आपके पेरेंट्स और टीचर्स की गाइडेंस के लिए है। इसमें कंप्लीट मेथडोलॉजी दी गई है कि किस तरह उन्होंने आपको थ्रू एक्टिविटीज टीच करना है। तो स्टूडेंट्स, अब आ जाएं बुक की तरफ। यूनिट 2 रियल नंबर्स के बारे में है। हमें पता है रियल नंबर्स क्या है, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में सीखा है। हमारा 2.1 टॉपिक इरेशनल नंबर्स के बारे में था, 2.2 स्क्वायर रूट के बारे में, एंड 2.2 टॉपिक जो है वो स्क्वायर्स के बारे में था, और 2.3 जो है वो स्क्वायर रूट्स के बारे में है। एंड देन 2.4 जो टॉपिक है जो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे वो क्यूब एंड क्यूब रूट्स के ऊपर है। तो स्टूडेंट्स, चलिए जरा आज के टॉपिक की तरफ। और आज का टॉपिक है क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। इसमें 2 SLOs हम लोग डिस्कस करेंगे। SLO का मतलब होता है स्टूडेंट लर्निंग आउटकम। फर्स्ट SLO देखें, रिकॉग्नाइज क्यूब्स एंड परफेक्ट क्यूब्स, देन फाइंड क्यूब ऑफ अ गिवन नंबर्स। हम सबसे पहले तो क्यूब को रिकॉग्नाइज करेंगे कि क्यूब होती क्या चीज है, और फिर उसके बाद परफेक्ट क्यूब को देखेंगे कि परफेक्ट क्यूब ऐसा नंबर कि क्या वो परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। तो स्टूडेंट्स, अब आ जाएं बुक के पेज नंबर 30 के ऊपर, क्यूब एंड क्यूब रूट्स। स्टूडेंट्स, हम लोग प्रीवियस सेक्शन में स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स के बारे में स्टडी कर चुके हैं इन डिटेल्स। अब जो है, जबकि हम लोग यहां पर जो डिस्कशन करेंगे क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स के बारे में, जो हमने एक चीज वहां पर देखी थी, जो स्क्वायर रूट था वो ओनली पॉजिटिव रियल नंबर्स के बारे में था, उनका सिर्फ हम लोग फाइंड कर सकते थे। बट क्यूब रूट्स आर डिफाइंड फॉर पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव नंबर्स, और उसके लिए हम लोग डिफरेंट मेथड्स जो है वो यूज करेंगे क्यूब्स को और क्यूब रूट्स को फाइंड करने के लिए। कौन से मेथड्स हैं जो हम लोग यूज करेंगे, चलें जरा बोर्ड की तरफ, वहां पर चलकर हम लोग इनको सीखते हैं। स्टूडेंट्स, अभी हम लोग बुक में क्यूब और परफेक्ट क्यूब के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, क्यूब नंबर्स क्या है। अभी हम लोग देखते हैं कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में ये चीज देखी थी कि हमने स्क्वायर और स्क्वायर रूट को देखा था, अभी हम क्यूबिक नंबर को देखेंगे। स्क्वायर नंबर क्या थे देखें जरा, जब हम लोग 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करते थे तो आपके पास एक रिजल्ट आता था जिसको हम लोग ये इस तरह राइट कर देते थे, और दैट विल बी इक्वल टू दिस वन। सिमिलरली जब को 2 को इटसेल्फ मल्टीप्लाई करते थे 2 टाइम्स, तो आपके पास ये रिजल्ट बनता था 4, एंड दैट इज इक्वल टू 2 स्क्वायर, एंड रीड इट एज 2 स्क्वायर। सिमिलरली 3 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज इक्वल टू 9, एंड दैट इज इक्वल टू 3 स्क्वायर। और इसी को अगर मैं 4 मल्टीप्लाई बाय 4 दैट इज इक्वल टू 16 एंड 4 स्क्वायर, और अगर मैं सिमिलरली n मल्टीप्लाई बाय n दैट इज इक्वल टू n स्क्वायर, ये चीज बन जाती थी। ये हमारे पास 1 की सीक्वेंस थी, और उस सीक्वेंस का हम लोग इस 1 के साथ हर नंबर का स्क्वायर ले लेते थे, तो आपके पास है जो रिजल्ट आता था वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो कहलाता था। इसी तरह अगर मैं एक नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करूं, देखें 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 दैट इज इक्वल टू 1 एंड 1 क्यूब। सिमिलरली 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज इक्वल टू 8,
एंड इट विल बी इक्वल टू 2 क्यूब 2 रेज पावर 3. सिमिलरली 3 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज इक्वल टू 27 एंड दैट इज इक्वल टू 3 क्यूब एंड 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 दैट इज इक्वल टू 64 एंड देन 4 क्यूब n मल्टीप्लाई बाय n मल्टीप्लाई बाय n दैट इज इक्वल टू n क्यूब. इट मींस के अगर हम लोग ये जो 1 की सीक्वेंस है इसका अगर हम लोग हर नंबर के ऊपर उसकी पावर या एक्सपोनेंट 3 राइट करें और उसको कैलकुलेट करें तो हमारे पास ये एक सीक्वेंस बनती है जिस सीक्वेंस को हम क्यूबिक सीक्वेंस कहते हैं. और जिस तरह ये सीक्वेंस बनी थी हमारे पास ये स्क्वायर की सीक्वेंस बनी थी. अब देखें किसी भी नंबर को उसी के साथ 3 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई करने से जो रिजल्ट बनता है वो परफेक्ट क्यूब नंबर होता है. देखें A number, multiplied by itself means 3 times if times then the product or result of that given number of the number is called cube or perfect cube. इसको हम लोग परफेक्ट क्यूब या क्यूब कहते हैं और जो रिजल्ट होगा उसको हम लोग क्यूबिक नंबर कहेंगे. अब एक चीज आपने नोट करनी है कि किसी भी गिवन नंबर का हमने क्यूब कैसे फाइंड करना है वो कैसे. एग्जांपल देखते हैं एक फाइंड द क्यूब ऑफ 100. इसका हमने क्यूब फाइंड करना है. कैसे करेंगे अगर गिवन नंबर हो इसी को पकड़ेंगे 3 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे 100 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100 दैट इज इक्वल टू 100 क्यूब एंड दिस विल बी इक्वल टू दिस वन. सिमिलरली अगर मेरे पास 5 का क्यूब फाइंड करना हो तो मैं क्या करूंगा 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 दैट इज इक्वल टू 125. स्टूडेंट्स ये चीज आपने नोट रखनी है जब भी किसी नंबर का आपने क्यूब फाइंड करना हो उसी नंबर को आपने आपस में 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देना है. अब आज हम बुक की तरफ चलते हैं वहां पर चलकर हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन और एग्जाम्पल्स करते हैं कि किस तरह हम लोग क्यूब को फाइंड कर सकते हैं. स्टूडेंट्स हम किस तरह रिकॉग्नाइज करते हैं कि क्यूब किसी भी गिवन नंबर का जो क्यूब है वो क्या चीज है किस तरह जो अभी हम लोगों ने बोर्ड पे भी देखा. देखिए जरा कुछ एग्जांपल्स हैं यहां पर. व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ 3 टाइम्स द ऑब्टेन्ड प्रोडक्ट इज अ क्यूब इज कॉल्ड अ क्यूब ऑफ दैट नंबर या उसको हम लोग क्यूबिक नंबर कहते हैं. जिस तरह आपने बोर्ड के ऊपर भी किया कि आपके पास कोई सा भी नंबर लेते थे सपोज यहां पर जब हम लोग 1 का क्यूब लेते हैं तो 1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया 2 का क्यूब लिया 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया जब स्क्वायर लेते थे उसी नंबर को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देते थे अगेन 3 का क्यूब लिया 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया एंड 4 का एंड सो ऑन 5 तक का आपने देखें या 10 तक क्यूब नंबर्स जो हैं ये बने हुए हैं. मीन्स के आपके पास सीक्वेंस ऑफ 1 है 1 2 3 4 अप टू 10 तक
इस सीक्वेंस का हर नंबर का आप क्यूब ले लें, जो रिजल्टेंट सीक्वेंस बनेगी वो क्यूबिक सीक्वेंस होगी, और वो क्या होगा, वो ये नंबर्स होंगे, जो उनका रिजल्ट बनेगा वो परफेक्ट क्यूब ही बनेगा। एक चीज आपने और याद रखनी है कि जो नंबर जिसमें पहले हम लोग स्क्वेयर में फैक्टर्स देखते थे तो वो पेयर्स में थे, अब पेयर्स को देखते थे, अब थ्री फैक्टर्स का जो है वो हम लोग सेक्शन बनाएंगे और फिर जाकर हम लोग देखेंगे कि वो नंबर जो गिवन है वो परफेक्ट क्यूब है। Thus we can say that the number raised to the power of 3 is the cube of that number. A natural number is said to be a perfect cube. जो मैंने अभी discussion की थी, perfect cube कौन सा number है? Means के कोई भी given number perfect cube होगा अगर उसके factors जो है each section में जो है वो 3 numbers आए तो वो perfect cube होगा। It is the cube of a natural number. अगर वो given number किसी भी natural number का cube होगा तो वो परफेक्ट क्यूब कहलाता है। ये आपने बोर्ड पे डिटेल से सीखा है। अब आ जाएं जरा एग्जांपल की तरफ के क्यूब किस तरह फाइंड किया जाता है। कोई भी गिवन नंबर हो उसको हम लोग 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिस तरह आपने बोर्ड पे भी किया। सपोज आपने 5 का क्यूब फाइंड करना है तो 5 को 3 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास 1 to 5 रिजल्ट बनता है। ये जो 1 to 5 है ये परफेक्ट क्यूब है। सिमिलरली अब यहां पर एग्जांपल नंबर 11 करें, फाइंड द क्यूब ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, 9 का क्यूब, 13 का एंड 11 का, 111। आपने क्या करना है, 9, 13 एंड 111 इनके क्यूब्स फाइंड करें। तो आपके पास 9 का क्यूब कितना आया, 9 मल्टीप्लाई बाय 9 दैट इज इक्वल टू 729। सिमिलरली 13 का क्यूब क्या है, 13 मल्टीप्लाई बाय 13 एंड दैट इज इक्वल टू 2197। एंड देन 1 का इसको 111 का क्यूब क्या कैसे फाइंड करेंगे, इसी नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट विल बी योर आंसर। सो स्टूडेंट्स अब आ जाए एक्सरसाइज की तरफ। 2D एक्सरसाइज है, क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द क्यूब ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हर नंबर का आपने क्यूब फाइंड करना है, हर नंबर को आपने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देना है इस शेप पे राइट करके। 5 क्यूब क्या होगा, दैट इज इक्वल टू 1 to 5, ये मैंने एग्जांपल्स में भी आपको समझाया था। सिमिलरली आपने बाकी सारे क्वेश्चंस जो हैं वो कंप्लीट कर लेने हैं। तो स्टूडेंट्स अब आ जाएं समर पैक की तरफ, क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स हमारा ये टॉपिक है। बट आपने क्वेश्चन नंबर 1 में क्या करना है, क्यूब फाइंड करना है। 49 का क्यूब कैसे फाइंड करेंगे, ये काम आपने अपनी बुक के ऊपर ही करना है, और एक्सरसाइज जो टेक्स्ट बुक की थी वो नोटबुक के ऊपर काम कंप्लीट करना है। दोनों काम कंप्लीट करने के बाद आपने अपने टीचर के पास अपनी अपना जो काम है चेक होने के लिए भेजना है। इसका मतलब 49 मल्टीप्लाई बाय 49 हर नंबर को जिसका भी आपने क्यूब फाइंड करना होता है उसको 3 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स सिमिलरली आपने पार्ट 2 कंप्लीट कर लेना है। स्टूडेंट्स आज हमने क्या पढ़ा, क्या सीखा, चलें जरा इसको रिवाइज करते हैं। हमारा आज का टॉपिक था क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। इसमें हमने रिकॉग्नाइज किया क्यूब एंड परफेक्ट क्यूब को, एंड देन फाइंड क्यूब ऑफ अ गिवन नंबर। ये चीजें हमने सीखी, हमने देखा कि किस तरह किसी गिवन नंबर का क्यूब फाइंड किया जाता है। स्टूडेंट्स आई होप यू अंडरस्टैंड टूडेज लेसन। फिर भी ड्यूरिंग द लेसन अगर किसी चीज की आपको समझ नहीं आई, योर क्वेश्चंस एंड सजेशंस प्लीज राइट अस एट mathematics@cantorpublisher.com। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह वी विल सी इन आवर नेक्स्ट क्लास विद न्यू लेसन। अल्लाह हाफिज़।